सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको दो स्टोरी बताऊंगा, दो तरह की कहानियां बताऊंगा जो कि रियल लाइफ से, मेरे ओपीडी से प्रेरित है। तो पहली स्टोरी है एक 30 साल की यंग महिला की जो दो दिन से सो नहीं पा रही थी, घबराहट थी, परेशानी थी, थकान थी। और कारण क्या था, पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनका रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आया है और उसका वैल्यू 48 है और इसी कारण वो बहुत परेशान है कि मुझे गठिया बीमारी हो गई है, अब ये ज़िंदगी भर रहेगी, और इसके कारण वो सो नहीं पा रही थी। ऐसे उनको जोड़ों में कोई भी दर्द नहीं था, कहीं भी सूजन नहीं था, कोई भी गठिया बाई के लक्षण नहीं थे। बस उन्होंने एक रूटीन टेस्ट, लैब टेस्ट करवा रही थी जिसमें उन्होंने पैकेज में सब कुछ टेस्ट ले लिया था और उस पैकेज में रूमेटॉइड फैक्टर भी पॉजिटिव था। सो चलिए जानते हैं कि रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है तो क्या कारण हो सकते हैं। मैंने उनको समझाया कि अभी आपके जोड़ों में कोई भी तकलीफ नहीं है, सारे जॉइंट्स का एग्जामिन करके सब चीज़ देखने के बाद और कुछ जांच करवाने के बाद उनको बताया मैंने कि आपको अभी गठिया बिल्कुल नहीं है। सो उन्होंने बोला, फिर मेरा रूमेटॉइड फैक्टर क्यों पॉजिटिव है? तो चलिए जानते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक जांच है, क्या ये सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पॉजिटिव आता है? क्या ये नॉर्मल इंसानों में पॉजिटिव हो सकता है? क्या ये किसी और बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं? क्यों पॉजिटिव आता है? तो पॉजिटिव, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। सो फॉल्स पॉजिटिव रूमेटॉइड फैक्टर किस में हो सकता है? आपके स्क्रीन पे ये डिजीजेज आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं जो आप देख सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा कौन कौन बीमारियों में ये रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आता है। तो पहला आप देखेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में 70-90% लोगों में पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस में 5% में पॉजिटिव हो सकता है। सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी ये टेस्ट पॉजिटिव होता है, रिएक्टिव अर्थराइटिस में भी होता है। उसके अलावा बहुत सारी ऑटोइम्यून बीमारियां हैं जिसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, जैसे कि प्राइमरी जोग्रेन सिंड्रोम, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, SLE, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमाइस, मतलब ये जितने भी ऑटोइम्यून बीमारियां उनमें भी ये पॉजिटिव हो सकता है। उसके अलावा आप देखोगे कि इन्फेक्शंस में, चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, TB हो, या फिर वायरस का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि कोई आपको कॉक्सैकी बी वायरस या हेपेटाइटिस वायरस या HIV या हर्पीज वायरस, इवन समटाइम्स कुछ फ्लू वायरस में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारी दूसरी बीमारियां, जैसे लीवर की बीमारियां, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम और भी चल रहा है तो उसके साथ भी ये पॉजिटिव आता है। कुछ लोग, जो खासकर 50 साल के लोग होते हैं और हेल्दी हैं, तो उनमें 5-10% में ये पॉजिटिव नॉर्मली भी आता है। 70 साल और उससे ज़्यादा बुजुर्ग के लोगों में 10-25% लोगों में ये रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। सो कहने का मतलब हुआ कि रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होना सिर्फ रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं दर्शाता है, ये बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव हो सकता है और बिना कोई बीमारी के भी पॉजिटिव हो सकता है। सो कभी भी सिर्फ इस फैक्टर के पॉजिटिव होने से आपको गठिया बाई है ये लेबल करना गलत है। अब दूसरी स्टोरी मैं सुनाता हूँ जिसमें एक महिला आई जिनके जोड़ों में दर्द था, सूजन था, सुबह सुबह में स्टीफनेस था, उनके अब उंगलियाँ भी टेढ़ी होते जा रही है, वो बहुत सारे डॉक्टर को दिखा रही थी, हर डॉक्टर टेस्ट कराते थे रूमेटॉइड फैक्टर का, उनका सारा टेस्ट निगेटिव आता था और उन्हें लेबल किया जाता था, बताया जाता था कि आप वो गठिया तो है ही नहीं क्योंकि सारे जांच निगेटिव आ रहे हैं। जब मैंने उनको एग्जामिन किया और देखा तो उनके जोड़ों में दर्द, सूजन, स्टीफनेस था, उनको क्लासिकल रूमेटॉइड अर्थराइटिस का लक्षण था और उनके फैक्टर निगेटिव थे। इसको हम बोलते हैं फॉल्स निगेटिव टेस्ट, फॉल्स निगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब आपको बीमारी है, गठिया बाई बीमारी है लेकिन आपके जांच बार बार निगेटिव है और इस बीमारी को सेरोनिगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर के बेसिस पे गठिया का डायग्नोसिस नहीं होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। सो आशा करता हूँ कि ये कहानियाँ आपको कुछ सिखाई होंगी, आपको कुछ बताई होंगी कि फैक्टर के बेसिस पे डायग्नोसिस नहीं होता है, आपको रूमेटोलॉजिस्ट से जाके चेकअप करवाना है, आपके जॉइंट का चेकअप करवाना है, अपने लक्षण बताने, अपने सिम्टम बताने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियां उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स साइंटिफिक डेटा होता है वो आपके सामने मैं लाते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।